वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है गॉस प्रिंसिपल एंड कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। तो इसमें कहते हैं जो एक सिंगल स्पीसीज इकोलॉजिकल निश में है ऑफ एनी गिवन हैबिटेट, यानी एक निश में एक ही स्पीसीज होती है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट जनरलाइजेशन इकोलॉजी डेट इज़ द गॉस प्रिंसिपल। इफ टू स्पीसीज हैपिंग टू द सेम निश इन कम्युनिटी, डायरेक्ट कम्पिटिशन बिटवीन द टू विल एलिमिनेट वन ऑफ दैम। दिस इज़ ड्यू टू द एक्सक्लूजन। सो दो स्पीसीज़ जिनकी निश सेम होती है, उनकी रिक्वायरमेंट सेम होती है, उसमें से एक को हारना पड़ता है। दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। इसके लिए हम आपको एग्जांपल समझाया जाते हैं, जैसे पैरामीशियम कोडैटम है और पैरामीशियम ओरिलिया है। ओरिलिया और कोडैटम को हम इकट्ठे नहीं रख सकते। जब हम ओरिलिया कोडैटम को एक पैट्री डिश में ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली पैरामीशियम ओरिलिया एलिमिनेट हो जाएगा और कोडैटम सर्वाइव करेगा। सो इसी वजह से, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है बेसिक सेम है और उनकी निश जो है वो भी सेम है, तो इसी वजह से एक को एलिमिनेट होना पड़ता है। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन।